पापा तो पूरा ब्लॉग भी बनाना नहीं मिल रहा है, अभी पूरा थकान हो चुका है, बोला माथा भी दर्द कर रहा है, बोल के थोड़ा आराम कर रहा है। और कल इतना धूप में घूम रहा था बकरी को ढूंढ के, इतना ढूंढा इन फिर भी नहीं मिला, तो चोरी करने वाला तो चोरी कर लिया, लेकिन हम लोग को गाली मिला है। चोर भी देख रहा होगा हम लोग का वीडियो पर भी, जो होने तो होने दो, मैं तो बोलती हूँ क्योंकि क्यों चोरी करना है ना, हम लोग का भी नहीं था, पर भी इतना मेहनत से पाल के रखा, वो लोग के लिए पाला है जैसा पूरा, वो लोग 9 किलो ना, 9 किलो रे चामोल, 37 से ना रेट ना क्या बाबा, तो क्योंकि नदी भी ऐसा है, ज़्यादा ले जाना था लेकिन नदी पार नहीं होगा, अभी ब्रिज टूट गया, अभी तो कांच से बोक के पार होना पड़ेगा। सो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बढ़िया होंगे। होगा गाइस, तो क्या करें गाइस, मैं पूरा सुबह को तो पूरा रात भोर बुखार आया, इतना माथा दर्द किया मैंने, सुबह उठ के दवाई खा लिया, रात को भी खाया था, माथा भी करने वाला तो वो आराम हुआ, फिर सुबह बुखार आने लग गया तो दवाई खा लिया, वो तो वीडियो को एंड करने समय में आप लोगों को दिखा होगा, शायद देखने मिलेगा। तो अभी मैं थोड़ा लेट से ब्लॉग बना रहा हूँ, अभी जाना है मुझे सरसों, जो लाई पत्ता का गुटी सीप उसको कूटना है, सरसों नहीं मैंने वो लाई पत्ता का जो सरसों का जैसा होता है मैंने उसका सीप वो कूटना है, मैंने तेल निकालना है ऑयल, तो क्योंकि वो ना बहुत दबावी होता है बोला, वो बहुत कड़क होता है बोला वो तेल, जो लाई पत्ता का जो सीप होता है ना गुटी, तो उसको पीस मेल पर जाके पीसना है और कितना निकलेगा, और क्योंकि वो शरीर दर्द होने से भी मालिश सालिश में भी काम देता है बोला, वो बहुत अच्छा होता है बोला, तो अभी उसको कूटने के लिए जाऊंगी मैं, और दवा खा के आराम किया और थोड़ा मेरा तबीयत अभी ठीक हो गया, तो अभी लाए धीरे जाते हैं गाइस। तरुण रोपने जा रहे हैं घर, तरुण देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाओ तो अंजू, ये देख सकते हो गाइस, दाव भी ले लिया और गड्ढा तो मम्मी ने खोद के रखा है, अभी जाना है, और सरसों का जबड़ा तुम्बू को पर होता है ना, मकर संक्रांति बोलते हैं ना, उस टाइम को खाने मिलेगा। अभी चलते हैं ना, यहाँ पर पूरा पानी खा रहा है, जो सरसों का जबड़ा भराएगा वो झोला पर, यहाँ पर हम लोग का पम्पकिन का पेड़ है, उसको बुकाना रोहित, मैं ये जबड़ा को बुक लूँगी, को लगाने से थोड़ा मोल भी होगा और अच्छा से निकलेगा। घर तोरुल गाइस, इसको हम लोग घर तोरुल बोलते हैं, जो घर में घर से लगाया जाता है ना हम लोग घर से, और भी वो स्वीट पोटेटो भी लगाना है, और उसको भी अभी से लगाने से होगा, और एक ठो गच्ची होता है, ऐसा गच्ची जाता है उसको हम लोग सिमल तोरुल बोलते हैं, और आप लोग देखने से पहचान जाता होगा खाने वाले होने से, उसी को भी लगाना है, लेकिन वो तो हम लोग के पास नहीं, उधर से गांव का एक नानी से मांग के लाना पड़ेगा ना मम्मी। अभी चलते गाइस, दाव को रखना पड़ेगा, और ये पूरा भराने के बाद मैं रुकूँगी जबड़ा को, बस्ता पर ले जाने से अच्छा होना था, हो जाएगा थोड़ा बहुत, गाय का गोबर भी ढालना पड़ेगा थोड़े दिन के बाद में, ले जा बस, इसको मैं बुक लूँगी गाय, मैंने दाव को ऐसा करके लगा दिए, जा रहे हैं अभी हम लोग, रोहित तू उधर चला गया, ये चलते हैं गाइस कैसे बुक के उस तरह में, पेड़ का नीचे में लगाना चाहिए गाइस, क्योंकि ऐसे लगाने से तो उसका मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा लंबा उसका पूरा वो निकलेगा, लौटा निकलेगा गाइस, वो जो पूरा पेड़ का ऊपर उठता है ना, ऐसे नीचे में लगा देने से, इसे जगह पर लगा देने से नहीं होता है पूरा, वो क्या कर जैसे वो स्वीट पोटेटो का पेड़ का जैसे निकलता है, लंबा लंबा उठ जाता है ना, पेड़ में उड़ने से नीचे में खोदने से बाद में उसका पूरा वो निकलेगा, आलू निकलेगा ऐसा बड़ा बड़ा करके, तो ऐसे में तो हम लोग का दूसरा भी लगाना है खेती, धान वगैरह लगाना पड़ता है, इसलिए ये पेड़ का ऊपर उठता है, उधर पर मम्मी ने गड्ढा खोद के भी रख दिया है, रॉकी भी आ गया, देखो घर में बैठने का वजह से इधर में आ गया, घर में बैठना चाहिए, अभी ये ढालो पहले, ये जबड़ा को ढालो रोहित, रुको रुको दाव से थोड़ा खोदना पड़ेगा, हाँ दो ना हम खोद दिए, खोदो अच्छा से खोदो, दे ये पेड़ का ऊपर उठेगा, सूख गया है ये पेड़, जो पत्ता सब झड़ गया है, अभी निकलेगा नया सा, और ये पूरा मट्टी जो है अच्छा हो रहा है, धूप दिया है ना बहुत ही अच्छा हुआ है, हम लोगों पास तो गोरु नहीं है, नहीं तो इसको पूरा पट्टा लगा देने से और भी उल्टी पाल्टी हो जाएगा ना मिट्टी जो, और अच्छे से सूखेगा और मट्टी जो पक जाता है बोला है ना, पकने मट्टी पकने के बाद खेती जो भी लगाने से बहुत अच्छा होता है। हाँ ये काटा वाला गाछी को काट देना पड़ेगा, ये काटा को
अच्छे से गड्ढा नहीं खोदा होगा। अब यहाँ पर लगाने इसको, ये छोटा अलग बस्ता पर लगे, इधर इसका माथा किधर है, वो इधर है, ये निकलने वाला है इस यहाँ से। कम यहाँ से देखा इसका, ये यहाँ से निकलेगा अभी थोड़े दिन के बाद में। यहाँ पर निकल रेड टूसा, हम लोग टूसा बोलते हैं, हो गया बहुत ज़्यादा गड्ढा खोद के रखने। इसको मिट्टी देना है, आने साल को पूरा खाने का लायक होगा। और उस टाइम को हम लोग का जो पूजा है ना, वो मकर संक्रांति बोलते हैं, उस टाइम को खाना है खोद के, इसको बॉईल करके क्या क्या अपना स्टाइल से बना सकते हैं आप लोग। अभी लगाने का टाइम है, अभी लगाने से बहुत ही ठीक टाइम को। अभी दूसरा जगह पर लगाएंगे, मुंडू गड्ढा है, आपको दिखाऊंगा। झोपी यहाँ पर है, इसका फूल टेस्टी होगा, ये सब्जी बना के खा सकते हैं। बोलते हैं उसको झुपी। हाँ। आप लोग क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं। झुप्पा झुप्पा लगता है ना, इसीलिए झुपी झुपी बोलते हैं उसका। हाँ। कहाँ पर है दिखाओ तो। पूरा। वो भी लगाने का टाइम हो रहा है, ये देख सकते होगा, इसका बीजन होगा, इसका सीट निकालना पड़ेगा। आने गया था, लगाया था और झिका भी है, ये देख सकते हैं नीचे गिर गया, ये पेड़ में लगा दिया था मम्मी ने, झुप्पा झुप्पा था ना, इसलिए हम लोग इसको झुपी बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोलते होगा मालूम है। तो यहाँ पर लोग बुको, अभी कल परसों लगाना पड़ेगा, इधर पर मम्मी जगह बनाएगा। और यहाँ पर भी मैंने पूरा लगा दिया है, इसको पूरा टेकना पड़ेगा ऐसा करके। हो गया अभी कंप्लीट, अभी इसको भी लगा लेते हैं गाइस, जबड़ा को ऊपर से लगा दिया जबड़ा को भी। और यहाँ पर थोड़ा सा और ये इसका पूरा वो निकल रहा है, पैर निकल रहा है, ये देख सकते हो। और ऐसा करके लगाना है और ये पूरा निकलेगा, ऊपर निकलेगा, बच्चा नहीं पैर निकल रहा है इससे, यहाँ से टूसा बोलता है इसको हम लोग। और यहाँ हमें उठेगा पूरा, कंप्लीट हो गया लगा के। और यहाँ पर जबड़ा है ना थोड़ा थोड़ा, नहीं है काम है, डाल दे सब जबड़ा उधर में डाल दिया ना, हो जाए अभी बाद में ला के इधर पर लगाना पड़ेगा। और ये सब झोला को बुकना पड़ेगा, चलो उधर पर चिल्ली का बगान पर जाके आएगा। और झोपी भी बुको, इसको कल परसों लगाना पड़ेगा, आ रहा है पूरा समय। ये गर्म तीन का सब्जी होगा ये, और घोल बोलता है, झीका बोलता है, घिनौलो भी लगाना पड़ेगा, घिनौला। आओ दूसरा टाइम गाइस, रो ओ मोटू आओ, देखो ना गाइस हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना ये लोग पूरा आ जाता है। रो की तो देखो ना गाइस, उधर पर घूम रहे पूरा डॉन बन के, किधर चला गया दिखाई नहीं दे रहे, उधर उधर जा रहे पूरा। हम लोग चलते है उधर पर, पपैया का पेड़ भी है यहाँ पर, लेकिन सब अभी इधर दीदी लोग ले गए सब तोड़ के, वो लोग का मतलब सुअर भी है, हम लोग का जो नहीं है, लेकिन पापा ये इस बार सेकंड प्रेगनेंट आने के बाद खरीदेगा बोल रहा था, लेकिन आया नहीं है अभी तक। तो अभी हम लोग तो पालते हैं, हर साल पालना भी है हम लोग, दुनिया में तो पालता ही है, लेकिन अभी हम लोग का पास नहीं है। तो दीदी लोग पूरा ले जाते हैं, यहाँ पर भी देखिए ना सब तोड़ के ले गए, ये देख सकते हो बस नहीं है, कल परसों इतना ज़्यादा था। और यहाँ पर छोटा छोटा चिल्ली का फूल दे रहा है, ये देख सकते हो गाइस, अभी चिल्ली लग रहा है ना छोटा छोटा, ये देख सकते हो, मम्मी ने पूरा ऊपर ऊपर का काट दिया था और पूरा फूल दे रहा है, ये देख सकते हो गाइस। चलो अभी ओ आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाने आई थी, भूल ही गया, लीची जो है यहाँ पर ना छोटा पेड़ फूल दे रहा है अभी, हाउ 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 हाउ, देख सकते हो गाइस छोटा लीची का पेड़ में। हाँ थोड़ा से बच गया, पूरा ट्रैक्टर पूरा ना यहाँ तक आ गया था पूरा चक्का। और हम लोग जल्दी जल्दी बोल दिया और ये सिंगल ये लाठी लगा दिया। अभी हर फल का जो है ना वो फूल देने का टाइम देख सकते होगा, लीची लग रहा है, हाँ। ये रहा छोटा सा, ये आसाम से लाया है जो यहाँ पर हम लोग खेती करते ना, वो मालकिन जो है दिया था लगाओ बोल के, तो छोटा समय पर पेड़ इन पर लीची लगेगा बोला है ना, तो हम लोग ने लगा था यहाँ पर, करना होगा सफा करो। तो अभी हर चीज़ का फूल खेलने का टाइम आ रहा है गाइस, और पत्ता सब तो बदल गया, उसका पत्ता जो गिर के फिर निकल गया। तो आप लोग को मैं दिखाता तो नहीं हूँ, पर भी हम लोग गांव में बहुत सारा खाने का फल है, जैसे कि क्या क्या है मतलब आप लोग को दिखाया था, चिंबू भी खाया हम लोग ने, और कोठाल बोलता है वो है, औटेंगा है, क्या क्या है और भी बहुत सारा है ना, वो छतालू भी है, बहुत सारा है। बड़े बड़े शहर पर तो नहीं भी मिलता होगा ये सब, लेकिन हम लोग उधर पर अलग ही फल मिलेगा और हम लोग गांव पे अलग ही फल। साफ हो गया ना। हाँ। चलो अभी रोकी भी आ गया, मोटू भी आ गया, पूरा इंटरेस्ट वाला मीठा मीठा फल मिलता है हम लोग का गांव पर।
सभी गांव पर ऐसे गांव पर तो मिलता है। चलो चलो बॉडीगार्ड लोग आ गया पीछे पीछे में, आओ आओ आओ। ये हम लोग ने लगा भी दिया, अभी चलते हैं गाइस घर की ओर। आओ आओ कुतु 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 कुतु, रोके रोके मोटो मोटो से पूरा रवाना हो रहे वो अंकल के घर तेरे। हम लोग गाँव रोहित और मैं जा रहा हूँ और पैसा हाथ में है, और इधर से हम लोग का ये घर की घर का ये रास्ता से इधर वो पड़ोसी लोग का एक हाँ उधर पर वो किम्बू का पेड़। आप लोग क्या क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग शिशनो खाने के लिए गाइस, इसको हम लोग शिशनो बोलते हैं। व्हाइट कलर का भी होता है लेकिन ये ब्लैक कलर का डंडी है, इसको कभी नहीं खाते है। और खाने के लिए बोल रहे तो कैसे खाते हैं मुझे तो मालूम नहीं, बचपन से तो खाया नहीं। नेपाल से जो जो देख रहे हैं उन लोग तो पूरा खाते हैं, लेकिन वो व्हाइट कलर का खाता है, ब्लैक कलर का भी खाता है बोले, लेकिन मुझे मालूम नहीं। हम लोग को तो खाओ खाओ बोल, का साथ खाने बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन देखा है ना वीडियो पर वो हम लोग का ट्रेडिशनल ढेड़ों का साथ खाता है, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं खाया ना। रोखी लोग भी आ गए, युवा में काटता है उधर पर कुटता है ना, जा रहे टोकाई खाने के लिए, जाओ जाओ मुझे कोई मालूम नहीं, वो नहीं जाते हम लोग को। चलो चलो उधर पर किम्बू का पेड़ है, अभी जाते हैं गाइस जंगल जंगल नीचे में जाते। सांप भी होता है, अभी ऐसे समर सीजन लग गया ना गर्म सीजन, अभी सांप वहाँ पूरा निकलने का सीजन आ रहा है, डस लेगा ना एक बार खेल खत्म फिर वो तो बचा लेता है। गर्म है वो छाती भी नहीं लाया, देख सकते हो गाइस छोटू छोटू है, अभी काम करके आए हम लोग ने। नहीं यहाँ पर उधर जाएगा हम लोग खाने के लिए, वो बड़ा वाला पेड़ में। आओ उधर रोहित, आओ आओ जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पर तो लगता ही नहीं है, उधर पर है। खाने नहीं दे रहे, मम्मी तो पूरा चिल्ला रहा है उधर से, तामुलपुरी के लिए पान भी लेके आओ बोला है ना, तामुल लेने जा रहा हूँ मैं घर से, जो अंकल लोग का घर से लाए बहुत ज़्यादा तामुल, इसीलिए उधर से पान लेना है, तो हम लोग थोड़ा सा तामुल भी देगा उनके लिए, तो चलते हैं गाइस क्योंकि ये गुस्सा लग रहा है हमको तो, इधर उधर बुलाते रहते हैं, अच्छे से खाने भी नहीं दिया। अब ये रास्ते से फिर से जा रहा हूँ मैं घर की ओर, थक गए दौड़ दौड़ के, तामुल भी लेके आ गया उधर जहाँ पर हम लोग नींबू खरीदने जा रहे हैं ना, पांची को दो बोलाए तब उन लोग का साथ हम लोग उन लोग के पान भी लेगा मांग के। रोहित उधर में इंतज़ार कर रहा है, दौड़ना पड़ेगा फटाफट, देर हो चुका है, बाद में आके मुझे फिर जाना है सरसों की मेल पर। अब ऐसे भी पूरा वो बिजू फेस्टिवल आ रहा है, और उसका बाद सांकिन बोलते को वो यहाँ का ट्राइबल लोग, वो लोग का पूजा भी आ रहा है, और पूरा वहाँ में खादा खादी होगा गाइस, पूरा भीड़ा भीड़ होगा, इसलिए फटाफट जाना है, सुबह का जाना है, अभी 8 बज चुका है। आओ रोहित आओ जल्दी जल्दी आओ आओ, तो खा रहे खोखा है, हमने खाएगा हो गया। और चलते पापा तो पूरा ब्लॉग भी बनाना नहीं मिल रहा है, अभी पूरा थकान हो चुका है, बोला माथा भी दर्द कर रहे, बोल के थोड़ा आराम कर रहे हैं। और कल का कल इतना धूप में घूम रहा था बकरी को ढूंढ के, इतना ढूंढा है फिर भी नहीं मिला, तो चोरी करने वाला तो चोरी कर लिया, लेकिन हम लोग को गाली मिला है, चोर भी देख रहा होगा हम लोग का वीडियो पर भी, जो नहीं तो होने तो मैं तो बोलती हूँ, क्योंकि क्यों चोरी करना है ना, हम लोग का भी नहीं था, पर भी इतना मेहनत से पाल के रखा, वो लोग के लिए पाला है जैसा, पूरा वो लोग आ गया उठा के ले गया, हम लोग को मालूम नहीं। हाँ वो लोग आसानी हो गया, हाँ अभी चलते। और ये टी का गार्डन पर आ चुका है हम लोग, यहाँ से चलते उधर। हाँ ये तामुल का पेड़ भी लगा है, वो यहाँ का मालिक लोग का है, तो अभी यहाँ से चलना पड़ेगा, डर है पूरा थक चुका है मैं तो दौड़ दौड़ के। कमाल का चीज़ दिखाया आप लोग को, मैं दिखाना चाहती थी पहले से और दिखाऊंगी अभी। ये देख सकते हो गाइस नकली नाखून, इसको हम लोग बोलते हैं नकली नाखून, ऐसे बचपन में बहुत खेलता था इसको, यहाँ में वो करने रोहित लगा के दिखा दो तो इसको यहाँ पर एक फल निकल रहा है। ये भी छत आलू जैसे, इसका नाम क्या था हम ही भूल गए, इसका नाम क्या पता क्या था हम ही भूल गया, आप लोग को पता है तो कमेंट करना। ये देख सकते छोटा छोटा लग रहा है अभी यहाँ पर, इसको क्या बोगड़ी ना क्या बोलता था हम ही भूल गया उसको, एम्बोगड़ी एम्बोगड़ी नहीं नहीं एम्बोगड़ी नहीं, वो तो दूसरा होता है, लगा के दिखा दो ऐसे लगाता सारा हाथों पर लगाने से ना पूरा किरल का जैसा होता है, हम लोग बहुत खेलता था। और चलो चलो देर हो रहा है अभी उधर, हाँ वो हम लोग का बड़ा मम्मी का घर, और यहाँ पर पूरा यहाँ पर तो ब्रिज बना दिया कल परसों, और इधर पर भी नहीं मिला है नींबू, गाँव गोटा घूमना पड़ रहा है अभी, और पान भी नहीं मिला, और तामुल जो लेके आए यहाँ पर वो उनका घर पर पान होगा कि नहीं होगा देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर नींबू ने उधर एक टू अंकल का घर जाना पड़ेगा अभी हम लोग को नींबू लेने के लिए, अभी तो नींबू लगने का टाइम है ना, पान भी लगने का टाइम है, तो अभी नींबू नहीं है, पप्पा नींबू खाएगा बोल रहे तो नहीं है, पान भी नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं है बोला है, पान भी अभी उधर पर जाना पड़ेगा। ए तामुल लेनो,
उधर अंकल जो तामुल नहीं खाते तो इनको ही दे देते। निकल रहे बड़े माँ, ये तामुल लेनो, पान खोजे ले रहा है जब ना तामुल पठा करते वहाँ रोने रही थे वहाँ जाने बड़ों को माँ निकालने का नीबुटिया किन आगे नीबुटिया रहना रहे। चलो रोहित जाने बड़े माँ वहाँ बड़ों को माँ गए नीबुटिया छोकी मिनी 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 बकरे हो क्यूटी का जैसे ही है ना ये भी क्यूटी का दोस्त होगा शायद क्यूटी क्यूटी। देखो हम लोग का पीछे पीछे आ रहा है, घर जा घर जा घर जा, रोहित का पीछे पीछे आ रहा है। खेता हूँ इसका मम्मी नहीं है, उसका मम्मी है, उसका मम्मी वो बच्चा लोग का ये मम्मी है। इतना सुंदर सुंदर है देखो ना गाइस, अभी बच्चा भी देने का टाइम हो रहा है। हम लोग का गाँव में सारा बकरी का बच्चा देखो दौड़ रहा है, मिनी मिनी क्यूटी का जैसे ही ये भी। और वो रहेगा थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा वाला का और ये बहन फूफू का बेटी लोग है, ये उधर पर भी एक है और एक है ना नानो एताओ। तोड़ना पड़ेगा ये लोग आ गया पूरा तोड़ने के लिए, मदद करने के लिए। मुझे घर भी जाना है फटाफट से, पूरा गांव घूम लिया आज तो, कितना दिन से घूमा ही नहीं था, नींबू खरीदने का बहाना से पूरा घूम लिया ये देखिए ना गाइस मैंने ये भी तोड़ लिया, ला खत्म अब मारेगा मुझे। फटाफट तोड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से, इसको ऊपर ऊपर में तो कोई उठ नहीं सकेगा और यहीं से तोड़ लेते हैं। देखिए ना गाइस नीचे नीचे में भी है। हसीना टिपनू सहा का आओ ना, नाम है इसका हसीना, इसका नाम है बेबी, बेबी है ये हसीना है। उधर पर वो भाई का नाम नानू है, नेपाली को नाम चेस्ते हुन्छ है। बेबी तो छोटा बच्चा को बोलता है लेकिन ये तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा बड़ा, ये छोटा बम बड़ा धमाका है ये हंस रहे। किसको कॉल आ रहे हो? पान भी मिल गया थोड़ा बहुत, यहाँ पर देख सकते हो वही रास्ता से हम लोग जा रहे हैं, फिर से पहुँच ही गया। देखिएगा इस रोहित आगे आगे चल रहा है पूरा, मैं तो से हो गया वो देखिए मोटू देख रहा है हम लोग को, पीछे पीछे आया था रोकी मालूम नहीं किधर गया मोटू। हे तुम भी गर्म हो गया ना, वो देखोगा इस रोहित आगे आगे पूरा दौड़ के जा रहे। मम्मी नहीं मिला है नींबू, पान सिर्फ मिलाएगा इस सरसों पेलने के लिए जाएगा। हाँ ये लाइफ पता का सीट ना, हाँ पेल निकलना है बहुत बढ़िया होता है, बोला मंजू भी जाएगा। हाँ वो दो तो बस्ता चावल का लिए चावल भी लेना है, मम्मी मुनन है बोला पर मच्छर लग गया रे तेरा नहीं बोला अध्ययन नहीं होगा वहाँ पर मुना में नहीं झूला पर। तो रोहित थोड़ा ख्याल करो ना बकरी उखरी, हाँ फिर उस दिन का जैसा हो जाएगा, पूरा ख्याल करो ध्यान करो आत्मी पहचान। चलो जाते हो गए हो चुका है, क्योंकि अभी सबका ये है ना संख्या नहीं है, इसलिए बेटा बेटी भी खाएगा घर में बना के देगा बोल सब बोल के। अभी जा रहा हूँ हम लोग इसका जो ये राय पत्ता का सिर्फ गुटी अभी अंजू ठेल रहा है, चलो जाएगा। हाँ चलो बैठते रहो, खेल करो रोहित बकरी को पूरा खेल करो नहीं माँ बेटा हो गए। अभी गाइस नीचे से जाना पड़ेगा क्योंकि आगे दो लंग टूटा है और अंजू साइकिल ठेल के जा रहा है, आधा रास्ते तक जाएगा तो फिर मैं बोक के पार करूँगा और यहाँ से जाना पड़ेगा गाइस। अरे बाबा ठंडा ठंडा पानी, बोखार आके कैसा लग रहा है मुझे पानी में घुसने के लिए भी पार होने के लिए भी। अभी सरसों मिल तो ख़राब हो चुका बुलाया और फिर काल को देखते हैं, तो अभी कहीं इधर भनीज का घर पर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि आज जो मेल अच्छा होने से तो बहुत अच्छा ही होना था और पूरा ख़राब हो चुका है बुलाए मेल। क्या कुछ ख़राब हो गया होगा ना? अच्छा ठीक है, और कैसे भैया खबर? ठीक है ठीक है मेरे। अच्छा अच्छा फिर माधन जी से लिया मैंने 9 किलो रे चावल 37 से ना रेट ना क्या बाबुआ? तो क्योंकि नदी भी ऐसा है ज़्यादा ले जाना था लेकिन नदी पार नहीं होगा, अभी ब्रिज टूट गया मेरा पूरा टूट गया, अभी तो कांच से बोक के पार होना पड़ेगा, तो चलते हैं 2 किलो। वो ब्रिज तो पूरा टूटा है, देखिए थोड़ा झूम करके मैं दिखाऊंगा, ये देखिए उस तरफ टूटा है, इस तरफ भी सब टूटा फूटा हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ से साइकिल बोक के आया कादे पे
और यहीं पर पानी पर साइड में आ गया, इसे यहाँ से मैं अभी ठेल ठेल के जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब पूरा ब्रिज बनाना पड़ेगा जल्दी जल्दी सब मिल के, उपाय नहीं तो आराम होगा। यहाँ पर एक सरकार ब्रिज का लिए देने से तो बहुत अच्छा होना था, और ब्रिज बनने के बाद में तो बहुत अच्छा ही होना था, सबका सुविधा होना था। तो जाते हैं घर पर, ये लोग रोक रहे हैं अंजु लोग आगे में। हो चुका हूँ और यहाँ पर तो डोगी डोगी भाई, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? बैठो बैठो, हो गया? हाँ बैठो बैठो, मत तो करे, हटो, ज़्यादा प्यार नहीं करना है तुम लोग को। और ये लोग अंजुली आए सांकेन खेलने वाला बाटी बाल्टी, और यहाँ पर लिया मैंने बहुत कुछ सामान लिया है, और चावल यहाँ पर है क्योंकि नदी पार करने नहीं सकता है ना, तो एक बहन ने पैसा दिया था, उसका जो पैसा से मैंने चावल लिया 1000 भी दिया था, और उसमें और है लेकिन बाद में लेना पड़ेगा क्योंकि कल से फिर बंदी होगा ना यहाँ पर। संकेन है जो हम लोग का मालिक लोग का, हाँ अभी है यहाँ पर जो चोखा में इलाका में, और यहाँ पर नहीं अरुणाचल प्रदेश में यहाँ का ट्रेवल लोग, हाँ ये नाम से सब लोग, हाँ हाँ खेलता है खेलता है, और तुम लोग भी खेलेगा, हमको भी खेलने का शौक है तो दोस्त लोग के साथ जाऊंगी। चलो तेरा दोस्त लोग बहुत ज़्यादा है ना, तो जाओ खेलो। और ये सामान सब निकालना है, नमाना है, ये आटा है थोड़ा सा, ये बनाए गोला मिठाई अंजुवी ना। घर पहुँच के भी यहाँ पर ये मैदा है, और यहाँ पर ये मैदा ये आटा 1 किलो, 1-1 किलो लिया मैंने, और ये पेप्सी ठंडा कोको कोला रोहित मोटर गाइस, और ये चीनी, और ये है नूडल्स, कभी कभी खाना बनता है ना, और ये कभी कभी एकदम खाना खाने मन नहीं करने से कभी कभी थोड़ा थोड़ा बना के खाता हूँ वही, और इसको भी जाओ गिलास लेके आओ पिएगा ना, रखो पियो, ज़्यादा मत हिलाओ फटेगा वो गैस होके ना। सो गाइस क्या करें, और कल तो पूरा एकदम बुखार भी आया था, और माथा दर्द तो रात को हुआ था, तो माथा दर्द तो ठीक हुआ है, और दवाई खा कर फिर इस प्लस खा लिया, और बुखार भी ठीक हुआ है, और ब्लॉग तो अच्छा से मैं बना भी नहीं पाया हूँ कल में, तो रोहित अंजू बनाया। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, आई होप कि आप सभी को वीडियो का अच्छा लगा, तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ।